हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेसिक अबाया की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए ये हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक है। इस फैब्रिक को सबसे पहले हम इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हम और एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो हमें 4 फोल्ड मिल जाएगा। और अबाया क्लोज फिटिंग होती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी शोल्डर 9 इंचेस पर डालूँगी और आर्म होल के लिए 8.5 पर हम मार्क डालेंगे। और यहाँ पर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, इस तरह से आपको मार्क लगाना है। और वेस्ट के लिए शोल्डर से डाउन 15 इंच पर जाएंगे। यहाँ पर भी हम अपनी वेस्ट को 4 से डिवाइड करने के बाद प्लस 2 इंचेस करके यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मेजरमेंट डालेंगे। अब हिप के लिए वेस्ट पॉइंट से 8 इंचेस डाउन जाएंगे और यहाँ पर भी हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस करते हुए हम यहाँ पर पॉइंट डालेंगे। अब इन सारी पॉइंट्स को हम जॉइंट कर लेंगे। आप नीचे के लिए हिप पॉइंट से लेंथ तक इस तरह से ए लाइन शेप डालेंगे और नीचे इस तरह से एक कर्व लाइन डालेंगे। और आर्म होल के लिए इस तरह से देखिए 2 सेंटीमीटर अंदर एक लाइन डालेंगे, जिस पर हम अपनी फ्रंट आर्म होल डालेंगे और बैक आर्म होल के लिए इस तरह से लाइन डालेंगे। और फ्रंट नेक को हम 5 इंचेस इस तरह से राउंड शेप देंगे, 3 इंचेस चौड़ी, और बैक नेक को सिर्फ 2 इंचेस डाउन पर राउंड शेप देंगे। और इसकी टोटल लेंथ होगी 53 इंचेस। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हम इन सारी मार्किंग को कटिंग कर लेंगे और आगे की बची हुई पीस में से हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। शोल्डर है 9 इंचेस और आर्म होल के लिए 8.5 इंचेस पर मैं इस तरह से पॉइंट डालूँगी। और चेस्ट में अपना 1/4 लूँगी इसके साथ में, और 2 इंचेस प्लस करते हुए यहाँ पर मेरा आ रहा है 13.5 इंचेस। तो इस तरह से मैं इन सारी पॉइंट्स को अब मिला दूँगी। वेस्ट के लिए शोल्डर से 15 इंचेस डाउन पर इस तरह से सबसे पहले हम पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का 1/4 लेकर डालेंगे, 1/4 और प्लस 2 इंचेस ऐड करते हुए इस तरह से हम पॉइंट डालेंगे। फिर से हम वेस्ट पॉइंट से 8 इंचेस डाउन पर मार्क डालेंगे अपनी हिप के लिए और यहाँ पर भी हम अपनी हिप का 1/4 इस तरह से पॉइंट डालेंगे। अब इन सारी मार्किंग को हम मिला देंगे। तो इसे मिलाने के लिए मैंने इस रूलर का इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो सेम वैसे ही आपको भी मार्किंग कर लेना है। अब हिप पॉइंट से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे इसकी पूरी लेंथ तक और इस तरह से ए लाइन शेप पे यहाँ पर लाइन डाल लेंगे। और नीचे की इस कॉर्नर को भी हम इस रूलर की मदद से इस तरह से शेप देंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर लाइन डाला जा रहा है। अब आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पर हम 8.5 का बिल्कुल मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो मिडिल पॉइंट पर इस तरह से पॉइंट डालने के बाद 2 सेंटीमीटर हम अंदर की तरफ इस तरह से पॉइंट डालेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। तो यहाँ पर एक लाइन डालेंगे और इस लाइन से हम अपना फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे और जो पहले लाइन डाला था इसमें से हम अपनी बैक आर्म होल के लिए लाइन डालेंगे। तो इस तरह से हम अपनी आर्म होल का शेप भी दे देंगे। और नेक की विड्थ होगी 3 इंचेस और बैक नेक के लिए हम 2 इंचेस डाउन पे मार्क लगाएंगे और फ्रंट नेक के लिए हम 5 इंचेस पर इस तरह से एक बॉक्स बनाने के बाद दोनों पॉइंट्स पर हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। शोल्डर पर 1 सेंटीमीटर इस तरह से एक पॉइंट डालेंगे और नेक लाइन से इस पॉइंट तक इस तरह से
हम मिला देंगे। अब इन सारी जो बैक मार्किंग है, इन बैक मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग कर लेने के बाद हम एक पीस को अलग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट का जो नेक और आर्म होल है, इसे भी हम शेप दे देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। इसके लिए जो मेरा फैब्रिक है वो थोड़ा सा विड्थ में कम पड़ रहा था, तो इसे मैंने इस तरह से फोर फोल्ड किया है। और देखिए ये 12.5 इंचेस है। और यहाँ आगे से मैं इस तरह से और एक पीस, मतलब इसे फोल्ड किया हुआ और एक पीस लेंगे और इस तरह से ओवरलैप करते हुए हम बिछा देंगे। अब मैं इसके आगे से 3 इंचेस डाउन पर मार्क लगाऊंगी। और स्लीव्स का लेंथ है 22+2 करते हुए हम 23.5 पर मार्क डाला है। और स्लीव्स राउंड है 6 इंचेस, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्क लगाया है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से एक सीधा लाइन डालेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। इस तरह से शेप दे देने के बाद इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। और इस पीस को हम पहले जॉइंट करके स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। आप देखिए नेक को हेम करने के लिए इस तरह से एक पीस लेंगे, जिसे हम एक बार फोल्ड करेंगे और इस फ्रंट या बैक पार्ट को लेंगे और फोल्ड साइड से फोल्डेड साइड को मिलाते हुए रखेंगे। अब इस नेक की मार्किंग को हम सेम टू सेम मार्क करेंगे। इस तरह से हम नेक को मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को हटा देंगे। आप 2 इंचेस इस तरह से डालते हुए एक पट्टी निकालेंगे हम नेक को हेमिंग करने के लिए। सेम इसी तरह से हम फ्रंट और बैक के लिए 2 पट्टियां निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 पट्टियां निकाल लिया है। अब हम अपनी मेन फैब्रिक को लेंगे और नेक पट्टी को लेते हुए राइट से राइट मिलाते हुए इस तरह से इसे हम जॉइंट कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जॉइंट करने के बाद हम इस नेक पर इस तरह से छोटे छोटे से टैक्स लगाएंगे। इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पट्टी जॉइंट हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को लेंगे और राइट से राइट मिलाते हुए एक के ऊपर एक को इस तरह से रखेंगे और इन दोनों शोल्डर को हम बिल्कुल पट्टी के साथ ही इस तरह से जॉइंट करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जॉइंट हो चुका है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग को भी जॉइंट कर लेंगे। तो साइड की फिटिंग डाल लेने के बाद हम इस तरह से दोनों स्लीव्स को भी हम जॉइंट कर लेंगे और इसकी नीचे की जो पार्ट है इसे हम हेमिंग कर लेंगे। तो हेम कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से आया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का ये ट्यूटोरियल आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।